हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉली हाउस फार्मिंग में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एक पॉली हाउस में हैं जो बारिश की वजह से और आंधी की वजह से प्लास्टिक निकल गया था, तो ये हम रिपेयर करने आए हैं। और ये देखिए, जो आर्क के ऊपर प्लास्टिक था वो हमने लगा दिया है, आर्क के ऊपर का। और अभी साइड का हम लोग लगा रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। साइड का देखिए, ये लग चुका है, अभी काम चल रहा है। और ये पाइप जो देख रहे हैं, ये पाइप अभी बाकी है लगना। फ्रेंड, हम चलते दूसरे हाउस में। ये एकड़ में बना हुआ है, तो दूसरा जो सेक्शन उसमें हम चलते हैं, उसमें खीरा लगा हुआ है, वो हम दिखाते हैं आपको। और ये देखिए, इसमें टमाटर का सीड्स लगाए हुए थे पर जर्मिनेशन नहीं हुआ बढ़िया तरीके से, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इन्होंने पॉली हाउस के जो साइड के एरिया, उसमें इन्होंने नींबू का पेड़ लगाया है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में, आप देख सकते हैं। हम आ चुके हैं दूसरे सेक्शन में। यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये खीरा लगा हुआ है। और ये हो गया समथिंग एक हफ्ता हो गया। अभी फिर खीरा का वीडियो हम इसका बनाएंगे 15 दिन बाद, तो हम अपलोड करेंगे। आप देखिए ये 15 दिन में कहाँ तक पहुँचता है, कैसी ग्रोथ रहती है। अभी हम रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर समथिंग 2 दिन में हो जाएगा। ये दोनों साइड का आप जो देख रहे हैं, जो ये प्लास्टिक रोल करते हैं, इनका फटा हुआ है, वही हमको चेंज करना है। अगर पॉली हाउस किसी को बनवाना है या रिपेयर करवाना है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्लांट के बारे में, कि कौन से मौसम में कौन सा क्रॉप लेना है आपको, कैसे क्या करना है, A to Z कोई भी क्वेरी है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपना नंबर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं।